इसीलिए मैं जिम्मेदारी से यकीन से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो SC ST सब प्लान है वैसे ही माइनॉरिटी सब प्लान बनाने का मेरा इरादा है। मैं पार्टी से भी पूछ लिए, राहुल जी से भी मेरा बात हुई, उनका जितना हक है जितना हिस्सा है उतना हिस्सा उन लोगों को देने के लिए राहुल जी मेरे से साफ साफ कहा आप वादा करो हम निभाएंगे कांग्रेस पार्टी में। जो जैसा महबूब अलग कालम साहब ने जो बात कहे घर में शादी मुबारक में जो महालक्ष्मी ग्रुप में महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देने का, 500 रुपये में सिलेंडर देने का, जो पेंशन 4,000 रुपये देने का, हर इसमें आप लोगों का हिस्सा आपको बराबर देंगे, ये आपके हक है। आपके हक आपको देने के लिए वो जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी PCC अध्यक्ष मैं उठाता हूँ। मैं आप लोगों को बड़े साहब के सामने मैं वादा कर रहा हूँ आपके हक आपको देने के लिए हर वक्त आप कोशिश करेंगे। और मेरे बारे में भी बहुत सारे चर्चा हो रहे, भाई मैं 20 साल से राजनीति में हूँ, 10 साल मैं कोडंगल का MLA था। आप लोग यहाँ से सीधा सीधा निकल के कोडंगल में जाओ, मेरा पार्टी में ऐसो वाले को मत पूछो, दूसरे पार्टी में ऐसो वाले को भी पूछो रेवंत रेड्डी जी कैसा आदमी है, ये सेक्युलर आदमी है क्या या नहीं है। मैं मलकाजगिरी से बगल में है, 4.5 साल से मैं MP हूँ, वहाँ जाके पूछो कोई दरगाह में मस्जिद में और कहीं रेवंत रेड्डी साहब कैसे है, कैसे सोचते कैसे काम करते। तो इसीलिए मैं आप लोगों के मदद से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सरकार बनाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग ये मत समझो हैदराबाद तेलंगाना में जीत लिए तो तेलंगाना में सरकार बनी, ये नहीं है। तेलंगाना में सरकार बनाने का इतना ज़रूरी है, दिल्ली में सरकार बनाने का कुंजी यही है। कर्नाटका तेलंगाना में अगर कांग्रेस की सरकार बन गए तो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराएंगे लाल किले पे। अगर कांग्रेस का झंडा सेक्युलर झंडा सब लोगों के लिए भला करने के लिए अगर झंडा लहराना है तो तेलंगाना जीतने का बहुत ज़रूरी है। ये तेलंगाना चुनाव को आप ये मत देखो खाली एक प्रदेश में सरकार बनाने में, चलो भाई कांग्रेस भी रहने दो नहीं तो BRS भी रहने दो बोल के, ऐसा सोचने का नहीं है। यहाँ पर से दिल्ली का जीत है, दिल्ली में अगर मोदी को हराना है तो यहाँ पर पहले BRS को हराना है, क्योंकि इन्हीं लोगों के ताकत से वो दिल्ली में सरकार चला रहे हैं।